नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। रेलवे एग्जाम के लिए हमने जो जीके जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर हैं जो कैप्सूल तैयार किया था उसका पार्ट सिक्स रहेगा ये, जिसमें हमें 251 से 300 तक इसमें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। तो अभी तक आपने पार्ट फाइव तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, उसमें हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी या एएलपी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें ताकि मैं सारी की सारी वीडियो आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। और www.targetwithgoswami.com वेबसाइट पे भी विजिट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिए, हैदराबाद है वो मुसी नदी पे बसा हुआ है। कौन सी नदी पे है? मुसी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर ये प्रशांत महासागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता है दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 342,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इससे पहले जो अप्रैल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 7 अप्रैल, जिस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसके साथ ये भी आप ध्यान रखें, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है? देखिए, फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो देखिए, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। और आपको मैं बता दूं कि यूएनओ का लास्ट सदस्य है वो दक्षिणी सूडान ही बना था, 193 टोटल सदस्य हैं तो 193 सदस्य दक्षिणी सूडान था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में इसको चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, क्या कर दिया, और अब भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। आईने कुबरी का लेखक कौन है? तो आईने कुबरी का लेखक अबुल फजल। किसने लिखी? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से क्षेत्र से संबंधित है? तो होपमैन खेल है कप है जो वो टेनिस का है। किसका है? होपमैन, टेनिस का। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाता है? तो देशबंधु के नाम है आपको पता है चित्तरंजन दास को बोलते थे देशबंधु। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र होता है उसमें जैसे इस प्रकार से तीलियां कितनी होती है, टोटल 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ये कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान, हमारे कान की हड्डी होती है स्टेपीज बोलते हैं उसको। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जो जंग की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो देखिए, मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी है वो 120 दिन होता है उसका, जो रेड ब्लड सेल होती है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या श्वेत क्रांति का संबंध किस सॉरी गया थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है ठीक है तो आप यहाँ से देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से है, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो भारत में जो इमरजेंसी है वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर आपको पता है सबसे पहले कौन सा राज्य अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश।
भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में उसने हमला किया था। अगला है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया कौन था? सेल्यूकस का निकेटर का जो राजदूत था मेगस्थनीज, वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य में। और इंडिका नामक, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। क्या था? सिलोन। विटामिन्स की खोज किसने की? तो विटामिन्स की खोज वो फंक ने की थी। किसने? फंक ने। स्टेनलेस स्टील की किस में से धातु होती है? स्टेनलेस स्टील है वो आयरन, क्रोमियम और निकल से बना होता है। कांसा किस की मिश्र धातु होती है? कांसा है कॉपर तथा टिन का जो एक संयुक्त रूप है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद ने। इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के दौरान जो बहिष्कार कर रहे थे, गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे, तो उस टाइम लाला लाजपत राय पर लाठी, मतलब सभी पर लाठीचार्ज किया गया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में। हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया वो छोटी आंत में संपन्न होती है। किसमें होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता का जो नियमों का प्रतिपादन है वो ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन है वो किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस पे? सरफेस टेंशन पे काम करता है, पृष्ठीय तनाव पे। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े सहतूत की कोमल पत्तियों पे पाले जाते हैं। और राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी वो तांबे के लिए, तांबे खाना वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 6, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो कोई भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आए। और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें, वहाँ सारी के सारी PDF शेयर करता हूँ मैं। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। देखिए, वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी, हर एग्ज़ाम के, SSC है चाहे UPSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको PDF की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने वेबसाइट जो तैयार की है वो बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश के नोट्स और बुक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK, करंट अफेयर और जो भी नई वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन और वीडियोज़ भी इस पर सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, हैंड रिटन होते हैं मेरे द्वारा लिखे, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बुक्स परचेज नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स मतलब बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते तो वो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास आज जो भी YouTube यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही, तो मतलब आप जो भी आपको PDF की ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और उसके मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा सभी बुक्स की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर फॉलो करिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। सारे के सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे ऐप में, और जैसे इंग्लिश के लिए मैंने बुक इस पे अपलोड कर दी है, और आधुनिक भारत का इतिहास है, ये हैंड रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके RO AR जो एग्ज़ाम है UP पुलिस है उसके लिए, और DIAS का ये मैंने साप्ताहिक करंट अफेयर अपलोड किया है,
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अपलोड कर दिया है, करंट अफेयर है वो सितंबर से मार्च तक का अपलोड कर दिया है, और रीजनिंग की भी जो आर एस अग्रवाल है, और भी बहुत सारे आप देखोगे तो 20 से 30 बुक्स मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाना ना भूलें, www.targetwithgoswami.com www.targetwithgoswami.com, और आप यहाँ मेल के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और बस इतना ही बताना था आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो सभी का बेनिफिट हो सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, इसी के उद्देश्य से बनाई गई है। कोई भी इस पर आपका एक्सपेंस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।